डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक को कुत्ता बनाकर भौंकने का वीडियो वायरल होने के बाद शिवराज सिंह सरकार हरकत में आ गई है। युवक की पिटाई करते हुए उसे कुत्ता बनाने वाले तीन आरोपी फैजान खान, समीर खान और साहिल उर्फ सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आरोपियों पर NSA लगाया गया है। पीड़ित व्यक्ति का नाम विजय है। पीड़ित पंचवटी कॉलोनी लाल घाटी का रहने वाला है। यूपी की तर्ज को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर ने दस्तक देते हुए उन्हें गिराने का कार्य शुरू कर दिया है। इससे पूर्व गिरफ्तार किए गए युवकों का पुलिस ने बाजार में जुलूस भी निकाला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हमने 24 घंटे में कार्रवाई करने की बात कही थी। 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग, ऐसी घृणित सोच हम कुचलने का काम करेंगे। भोपाल में वो कार्रवाई हो जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए नजीर बने। मैंने देखा वो वीडियो और बहुत गंभीर किस्म का लगा मुझे। मानव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार निंदनीय है। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को तत्काल निर्देश दिए इसकी जांच करके सत्यता पर जाएं और कानूनी कार्रवाई करें उस पर, और 24 घंटे के अंदर परिणाम ला के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।